दोस्तों स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और मैंने जो है आप सभी के लिए एक नई सीरीज एक्चुअली में चालू की है। और इस सीरीज में क्या होगा ना कि मैं आप सभी के लिए रोज सुबह एक वीडियो लेकर आऊंगा मार्केट चालू होने से पहले। तकरीबन तकरीबन मैं ये 7 बजे ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा आप सभी के लिए। कोशिश पूरी करूंगा कि 7 से पहले या 7 बजे तक मैं कर ही दूं। इस सीरीज का नाम जो है वो रहेगा स्मॉल मार्केट शॉर्ट। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा वीडियो रहेगा और वो आपको जो मार्केट चालू होने वाला है उसका पूरा ओवरव्यू दे देगा आपको। मतलब कल कैसा मार्केट था, आज कैसा होने वाला है, कौन कौन से स्टॉक जो है, कौन कौन से जो स्टॉक है वो आज न्यूज में रहेंगे, कौन कौन से कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, आपको कौन कौन से सेक्टर में ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये एक मेरा जो कोशिश है वो कैसी आपको लग रही है। और आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको बिल्कुल भी लाइक करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये पसंद आ रहा है। शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो मार्केट सेशन है स्मॉल मार्केट शॉर्ट जो है आज का हम चालू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स ऑफ द डे की, जो आज स्टॉक्स न्यूज पर रहने वाले हैं जिनके ऊपर आपको डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। पहला जो स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कल के दिन मतलब 25 तारीख को जो गोल्डमैन सैक्स है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री आई थी। उन्होंने एसबीआई की जो रेटिंग है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज किया था और उन्होंने उसके टारगेट प्राइस को भी 54% से इंक्रीज किया था। और तकरीबन तकरीबन उसे 280 से ऊपर उसका जो प्राइस है प्रिडिक्ट किया था। और इससे हमें कल के दिन में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला था, तकरीबन 3% से ऊपर ये स्टॉक ऊपर कल गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मूडीज जो है आप सभी जानते हैं मूडीज के बारे में, उन्होंने भी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ कमेंट्री पास की है जिसमें उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक ओवर वैल्यू है और इन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। डेफिनेटली ये एक बुरी खबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। जैसे कल ये स्टॉक ऊपर गया था एक न्यूज जो आई थी उसके उसके चलते, वैसे ही अब ये जो खबर आई है मूडीज से, आप सभी जानते हैं कि काफी ज्यादा रेप्यूटेड फर्म है ये, तो कहीं ना कहीं इसका असर आज हमको दिखने वाला है और आज ये डाउन दोस्तों जा सकता है। तो बिल्कुल इसके ऊपर आप नजर बनाए रखिए। दूसरा स्टॉक है कैनफिन होम्स। ठीक है, क्वार्टर वन के जो इसके नतीजे आए हुए हैं वहां पर इसने 93 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है ईयर ऑन ईयर में, तो ये एक अच्छी खबर है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो यहां पर आप इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और उस पर अपनी नजर बना सकते हैं। अभी स्टॉक के बाद में हम जान लेते हैं कि कल जो है अपने मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट की, पहले हम बात करेंगे, साथ में ग्लोबल मार्केट डिस्कस करेंगे, इसके बाद में सेंसेक्स आप यहां पर देख सकते हैं तकरीबन वो फ्लैट ही था, 0.12% ही ये ऊपर था। आप इसे बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये ना ऊपर ना नीचे फ्लैट इसने परफॉर्मेंस अपना कल दिखाया है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो सेम आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैट ही था, कुल 5 अंक ऊपर ये किया हुआ है। निफ्टी बैंक कल काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस उसने दिखाई, 259 पॉइंट ऊपर था। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 1% से ज्यादा ही इसने कल हमको अप साइड दिखाया। दोस्तों अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इंडाइसिस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे चर्चित इंडेक्स जिससे हम बोलते हैं वो है एसजीएक्स निफ्टी, और वो जो है उसने तकरीबन तकरीबन फ्लैट ही दिखाया। जैसे अपने इंडेक्स ने दिखाया, निफ्टी सेंसेक्स ने जैसे दिखाया, वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.14% ये डाउन था। आप इसे बोल सकते हैं कि ये टोटल ओवरऑल फ्लैट ही था। चाहे आप बात करें नेस्डेक की, चाहे आप बात करें इंडेक्स की, सारे के सारे जितने भी इंडेक्स हैं ये तकरीबन तकरीबन फ्लैट ही थे। दोस्तों बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो कल टॉप गेनर्स में थे जिन्होंने कल काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया एसबीआई कल जो एक खबर आई थी उसके चलते ये इसने 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाई थी और टोटल 6.50 पॉइंट से ये ऊपर था। टाटा मोटर्स को आप यहाँ देख सकते हैं इसी लिस्ट में, ये भी शामिल है, तकरीबन 4.87%, आप बोल सकते हैं कि 5% ये तकरीबन तकरीबन ऊपर था। बजाज फाइनेंस दोस्तों बिल्कुल 3500 से ऊपर ये क्रॉस कर चुका है। वहां पर काफी अच्छा एक टेक्निकल व्यू था कि अगर उसने वो पॉइंट को टच किया, उसे क्रॉस किया,
अपर साइड हमें यहाँ पर अच्छा देखने मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि 150 पॉइंट से कल ऊपर गया था, टोटल 4% से ज्यादा यहाँ पर हमें एक अपसाइड देखने को मिला बजाज फाइनेंस में। टेक महिंद्रा ने भी कल 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी हमको यहाँ पर दिखाई है। दोस्तों बात कर लेते हैं अभी हम टॉप लूजर्स की, तो इसमें गेल सबसे आगे हैं, तकरीबन इसने 2% का हमको डाउन मूवमेंट दिखाया। ओके, और अगर मैं बात करूँ श्री सीमेंट्स की, तकरीबन इसने भी 2% का हमें डाउन मूवमेंट दिखाया। सन फार्मा भी उसी लिस्ट में है, और NTPC ये टॉप गेनर्स में था अभी 2 दिन पहले, और अभी ये टॉप लूजर में आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी मार्केट में अगर क्रूड ऑयल को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2% क्रूड ऑयल जो है वो अप रहा था लास्ट मार्केट सेशन में। और बात करें अगर हम गोल्ड की, तो गोल्ड तकरीबन आप बोल सकते हैं 0.5% से ज्यादा ये कल इसने डाउन मूवमेंट हमको दिखाया है। और चांदी ने तकरीबन 2.5% हमको डाउन मूवमेंट दिखाया। बहुत ज्यादा हलचल आजकल हमें यहाँ पर दिखने को मिल रही है, और जिस हिसाब से ये ऊपर गए थे ये दोनों के दोनों दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन भी यहाँ पर जो हो रही है वो उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसके लॉन्ग टर्म विजन, तो ये बिल्कुल भी आपको और ऊपर जाते दिखने वाले हैं। दोस्तों करेंसी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल कर आई है। कल के अगर हम मार्केट सेशन की बात करें, तो कल तकरीबन 80 पैसे जो था वो रुपया मजबूत हुआ था। कहने का मतलब ये है कि 74.95 से जो डॉलर है वो गिरकर तकरीबन 74.30 में आ गया था। और आज अगर आप देखेंगे ना के बराबर इसमें अप मूवमेंट दिखाई दी है। अगर हम कल के मार्केट सेशन की बात करें, तो कल अच्छा खासा मार्केट अप भी था, कहीं ना कहीं आप इसको रीजन भी बोल सकते थे। और अभी हमारा रुपया अगर हम बोलें तो काफी मजबूत है इस टाइम पे। दोस्तों बात कर लेते हैं अभी अपन की सपोर्ट की, कि कहां कहां पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पिवट चार्ट के हिसाब से, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पिवट चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो पहला जो हमें सपोर्ट दिखाई देगा वो है 11,421 का, और अगर उससे नीचे आता है तो 11,371। ये दो पॉइंट, ये दो लेवल्स आपको याद रहने चाहिए। वहीं बात करें अगर हम रेजिस्टेंस की, तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 11,524 का है। वहीं दूसरा अगर इसको क्रॉस करता है तो 11,576 का है, और इसको अभी अपना मार्केट जो है क्रॉस नहीं करने वाला है, तकरीबन इसके आसपास ही आज हमको दिखाई देने वाला है। तो इन लेवल्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें ये लेवल्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कहाँ पर खरीदारी करेंगे और कहाँ पर बिकवाली करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी करंटली जो है निफ्टी बैंक वो 23,092 में ट्रेड कर रहा है। बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो है पहला सपोर्ट उसका हमें देखने मिलेगा 22,906 में, बिल्कुल इसे नोट डाउन कर लीजिए। और उससे नीचे आता है तो 22,721, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। ये तकरीबन अभी इसको टच करना भी मुश्किल ही है 22,906। आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो 23,229 का पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, और 23,365 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इसको टच करने की कल कोशिश करेगा डेफिनेटली निफ्टी बैंक में। इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। खरीदारी कहाँ करनी है, इन लेवल्स में करनी है दोस्तों। बिकवाली कहाँ करनी है, इन लेवल्स में करनी है। तो इनको हमें कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अभी हम 26 अगस्त मतलब आज के रिजल्ट की, कि आज कौन कौन से स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं। आप देख सकते हैं अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है पहला स्टॉक, एंसल हाउसिंग है, DCM है, मिंडा फाइनेंस है दोस्तों जिसमें हमें नजर बनाए रखनी चाहिए, जिलेट इंडिया डेफिनेटली इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा आज के दिन में, शारदा मोटर इंडस्ट्री पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ कंपनी से जिनके आज रिजल्ट आने वाले हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों ये था पूरा एक ओवरव्यू मार्केट के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आज हमको डेफिनेटली नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मोदी ने कहा है इसका असर आज हमको डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर इसको आज आप बोल सकते हैं कि ये ट्रेंडिंग ऑफ द स्टॉक आज ये दिन भर का हो सकता है। दोस्तों आप सभी को मैं 8 से 8:30 बजे के बीच में
टेलीग्राम चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशन पास आउट करूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में। मनी कंट्रोल प्रो में कुछ स्टॉक्स की सजेशन आती हैं, मैं आपको सेम एज इट इज वो पास आउट कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेटिव है, आप उससे कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं, वो उस पर एक नज़र मार सकते हैं, मैं आपको ठीक 8:30 के बीच में वो टेलीग्राम चैनल पे पास आउट कर दूंगा। साथ ही में ग्लोबल मार्केट कैसी ओपनिंग दे रहे हैं उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन कैसा मार्केट अपना ओपन हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो SGX निफ्टी है वो 6:30 बजे ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ से एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे जो मार्केट हैं जो कि 9:15 बजे ओपन होते हैं, वहाँ पर एक हमको एक हिंट मिल जाती है कि क्या फ्लैट ओपन होने वाला है या फिर गैप अप या फिर गैप डाउन। तो वो चीज़ को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेरे टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को पसंद आया आपको दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूँ मैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।